इंडियाज लास्ट विलेज, इसके बाद सीधा आता है तिब्बत या फिर आप उसे क्या बोल सकते हो, चाइना बॉर्डर। ना मैं बताया तो -7 और वीडियो तो बना सकते हैं ना कि क्या वीडियो वहां बनाना वो अलाउड नहीं है। अच्छा क्या अच्छा अलाउड नहीं क्योंकि ये सीक्रेट चीज है। अच्छा ये सीक्रेट चीज है। हां ठीक है। ना चाहते हुए भी ना रुकना पड़ी जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो लग रहा है ना सामने व्यू यार, वाटरफॉल है। वाटरफॉल क्या है? पानी है, नदी है, नदी आ रही है, लेकिन काफी देख रहे हो वहां पे बर्फ बर्फ पड़ी हुई और सारी जम रखी है। माय गॉड यार अमेजिंग। ये चितकुल की तरफ जा रहे हैं, अभी तो सांगला भी नहीं आया। सांगला आएगा, उसके बाद फिर चितकुल आएगा। अभी आगे वो ब्रिज है, ब्रिज से हमें लेना है राइट की ओर। पर ये रास्ते तो भाई बहुत बढ़िया है यार, मतलब चितकुल पहली बार कर रहा हूँ मैं, जैसे बता रहा था ना, तो लेकिन मज़ा आ रहा है यार सीरियसली। ये सही बात है भाई जो ये गौरव ने बताया। सच्चाई है भाई, गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड और भाई साहब भाई देख रहे हो, मतलब बद्दा कह रहा है मेरी गर्लफ्रेंड शिखर खाती थी, शिखर या शिखर गुटका और पिचकारी भी नुमारेगी। गौरव एक बार इधर दोबारा बता यार, गौरव दोबारा, अरे तू भी आ जा यार प्रसाद। गुस्सा होगा मेरा लौंडा, गुस्सा होगा। आजा आजा बात हो रही है किसकी? प्रसाद की बात हो रही है तो गौरव बता रहा है। कहा कुछ पता है? तू असिस्टेंट मैनेजर है। मुझे कुछ ना पता, मुझे बस इतनी पता है कि यू अपने आप है असिस्टेंट मैनेजर बता रहा हूँ, और जब रोड बन रहे हैं कंक्रीट डाले तो वहां पर वाइब्रेटर चला रहे हैं, असिस्टेंट मैनेजर बता रहा है। अरे मजाक कर वाले पूछवा, मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा है भाई। ओ भाई साहब लेटर था यार, तू कहने वाला लंबे दिख रहा है सीडी को जॉइनिंग लेटर। अरे बेशक मैं कहना मैं नाले में उतर रहा हूँ ना। ठीक है ओ भाई साहब, बोलते रहो तो। ओ भाई साहब ना ना भाई साहब मामला हो गया, मैं थोड़ा सीरियस ना ना हुआ अभी। खुश हो ना? बस ठीक है। मतलब तू मतलब तू सीधा कह रहा है ना कि मुझसे मजाक मत करो? यार मजाक करवाना भी है और मजाक करो तो फिर आप बुरी भी माननी है। नहीं असिस्टेंट मैनेजर बात ठीक है, सारी सारी बात ठीक है, तू गुस्सा मत हो भाई, कोई बात ना, तू असिस्टेंट मैनेजर है ना, मैंने मान लिया। लो भाई वैसे मेरे मन में तो होगा कुछ ना, पर ठीक है। अब यू के नंबर लोकेश से गए, लोकेश में मनवाइये तो गाड़ी। भाई समझ नहीं आ रहा भाई किसकी माने, यहाँ माने असिस्टेंट मैनेजर या फिर गौरव की माने? वैसे कि तनख्वाह तो मोटी है। असिस्टेंट मैनेजर। अच्छा मतलब तेरा तेरा मतलब है कि ना है तो यू अच्छी बात है। पर कभी कभी हम ऐसे मजाक कर ले तो क्या करें, मजाक भी तो करना भाई, पूरे रास्ते यार पागलों की तरह चलेंगे। नहीं सही बात है भाई, नहीं भाई रोडी रोडी गियर होता आईफोन ले घूम रहा है, कहाँ से रोडी गियर रहा है? सांगला लेफ्ट था, राइट में था कुछ बोनिंग सारिंग, बोनिंग सारिंग पता नहीं कौन सी जगह है मुझे तो पता भी नहीं, तो सांगला लेफ्ट में और फिर वहीं से आगे चितकुल का रास्ता है, तो चितकुल तो अभी दूर है यार, एक घंटा सवा घंटा डेढ़ घंटा और होगा आराम से। पहुंच चुके हैं हम सांगला और यहां से राइट को है चितकुल जाने का रास्ता, जो अभी 25 किलोमीटर दिखा रहा है। एक बात मैंने सोचा आप लोगों को और बता दूं,
छह महीने के लिए ना ये प्लेस ऑलमोस्ट बंद हो जाता है, तो बहुत कम यहाँ पर आपको दुकानें मिलेंगी। ये तो फिर भी सांगला तो एक अच्छी मार्केट है, तो सांगला तो फिर भी ओपन है, काफी हद तक लग रहा है ओपन है, बट ये अभी कम भीड़ है। गर्मियों में यहाँ सब कुछ खुला होता है, ज्यादा भीड़ होती है। हम यहाँ से और ऊपर जा रहे हैं और वहाँ पे तो पक्का बर्फ मिलेगी मिलेगी, तो हमें आगे तो आई एम श्योर कि ध्यान से जाना पड़ेगा, क्योंकि सड़कों पर भी बर्फ हो सकती है। तो पता नहीं, देखो स्नो चेन लगाने की जरूरत पड़े या नहीं पड़े, बाकी पता लगेगा आगे। भाई साहब शेरों की फौज देख लो, और ले लो इनसे पंगा एक बार हल्का सा, और मौज कर देंगे उसके बाद तुम्हारी बहुत बढ़िया वाली। इतना मांस उखाड़ लाएंगे चके से, बस खाना हो जाएगा, खाना तो मिल ही जाएगा इन्हें आराम से पूरा, और दो दिन खाएंगे आराम से लग के। हाँ। कुल की तरफ अब जा रहे हैं ना, तो अब मुझे लग रहा है अब बिल्कुल रॉ रास्ता है, क्योंकि जो ठीक ठाक से रास्ते थे वो निकल लिए। अब आगे ऐसी रास्ते मिलेंगे और ऐसी रास्तों पे अब चलते रहेंगे हम। राइट साइड पे आई एम श्योर ये सेब के बगीचे होंगे, लेकिन अभी इन बगीचों में कुछ नहीं है। बारी में कट भी नहीं पा रही पुल में जाने के लिए, दो बारी में कटी है और अब वो पुल पे चढ़ा रहा है, और अब ये पुल पे चढ़ा रहा है ना, तो मैं इसके पीछे पीछे चिपका नहीं सकता, क्योंकि भैया क्या इन पुल्स की ये जो ब्रिजेस हैं क्या इनकी स्ट्रेंथ होगी, हु नोज। तो इसलिए बेटर ये है कि हम ना आराम आराम से वन व्हीकल एट ए टाइम ही रख के निकलो, बस सबसे बढ़िया। और अब स्नो कुछ अच्छा मिला है थोड़ा बहुत, हाँ दिख रहा है स्नो ठीक ठाक, चार पाँच पाँच छः छः इंच से ऊपर। रक्षम आ गया है, कोई जगह है रक्षम, रक्षम के बाद आएगा चितकुल जो कि 6 किलोमीटर रह गया सिर्फ। बर्फ साइड पे तो जगह जगह काफ़ी है यार, लेकिन रोड पे नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि रोड पे तो यार गाड़ियाँ चल रही हैं तो वैसे ही बर्फ गायब होती होगी, तो बिल्कुल भी नहीं है। अब 6 किलोमीटर है, मेरे हिसाब से 3 किलोमीटर कवर होते हैं 10 मिनट में, तो अगले 20 मिनट में पहुंच जाएंगे हम चितकुल, फिर वहीं रहना है जहां अभी रहना है। वैसे जहां तक मुझे पता है चितकुल में सिर्फ एक ही होम स्टे है जो खुला हुआ है, देखते कितने पैसे मांग रहे हैं, अगर बहुत ज्यादा मांगेगा तो अपनी गाड़ी जिंदाबाद। जो ये रक्षम गया ना, उसके बाद से बर्फ थोड़ी थोड़ी रोड पे भी दिख गई और साइड पे भी मिलनी शुरू हो गई है, जो कि दिख रही है कंटिन्यूस, अदरवाइज बीच में तो ऐसी था यार, कभी दिख गई तो ठीक है, नहीं दिखी तो ठीक है, मैं भी आगे क्या पता और मिले। हाँ यही कह रहा प्रशांत की आगे कितनी मिलेगी, मैंने कहा भाई पता नहीं आगे कितनी मिलेगी, अभी मिलनी तो चाहिए, देखो जिसके लिए आए वो ही नहीं मिले। बर्फ के लिए आए मेन तो, देखो बाकी बर्फ मिलेगी तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगी तो भोलेनाथ जी जैसा चाहेंगे वैसा होगा। भाई गाड़ी से बाहर निकल गए और जो चितकुल है अभी अराउंड कितने किलोमीटर, 7 किलोमीटर रह गए, 6-7 किलोमीटर है। रोड ऐसी चलती रहेगी, बर्फ़ ऐसी मिलती रहेगी, यहाँ तो फिर भी दिख रही है थोड़ी बहुत ठेडी थोड़ी बहुत, आगे पता नहीं कैसा हिसाब रहेगा, बट जगह बढ़िया लग रही है और अच्छी लग रही है यार, आगे आई एम श्योर चितकुल और अच्छा लगेगा। दांत पीले हो रहे भाई, सीन अलग है यार, अभी ना गाड़ी के अंदर लग रही है गर्मी, पसीने भी आ रहे हैं, बाहर निकलो तो साला ठंड लग रही है, और ऊपर से जो पसीना हो रखा है ना वो ठंडा और जमा रहा है,
बाहर खड़े होने वाली हालत नहीं हो रही, तो फिर बाहर से तो मैं अभी अंदर आ गया हूँ। अब बढ़ रहे हैं आगे, चितकुल की तरफ जाते हैं जल्दी से और फिर देखते हैं भाई चितकुल में क्या हिसाब है। हम कहाँ पहुंच गए? चितकुल। ये खड़ा हमारा कारवा। हम पहुंच गए चितकुल भाई। ये है 11,320 फीट पर, इंडियाज लास्ट विलेज। इसके बाद सीधा आता है तिब्बत, या फिर आप उसे क्या बोल सकते हो, चाइना बॉर्डर। यहाँ से हम आ रहे हैं पीछे से और वो सामने है चितकुल, जो आपको यहाँ से सिटी दिखेगी। बर्फ तो यार वहाँ भी कम है, मैं आपको साफ बताऊँ, वरना बर्फ बहुत होती है। बट अब जो है यही है, बाकी बोलो हर हर महादेव और निकल लो आगे की तरफ। भाई पहुंच हम कहां गए हैं? चितकुल। लेकिन हम थोड़ा सा ना आगे जा रहे हैं, और क्यों? ये देखने के लिए कि आगे और है क्या, कोई दुमती लिखा हुआ है रास्ता, रास्ता दुमती का। अब पता नहीं, हम चाह रहे हैं कोई ऐसी जगह ना जहां पे हम अपना गाड़ी में ही रह सकें, या ऐसी कोई जगह। अभी हम यहां से आगे जा रहे हैं कि हमें अलाउड भी है आगे जाने देने या नहीं है? मेरे हिसाब से जगह तो नहीं होगी आगे जाने देने की, बट हम देखना चाह रहे हैं। भाई ने पीछे गाड़ी रोक दी, आगे रोक दी, पर हम अभी आगे जाएंगे ना यार, यही थोड़ा रुक जाएंगे। कौन सी जगह है ये चितकुल? अब यहाँ से आगे 3 किलोमीटर जा रहे हैं, वहाँ पे चेक पोस्ट है सिर्फ देखने के लिए। वो है लास्ट चेक पोस्ट, उसके आगे सिर्फ आर्मी वाले अलाउड है, क्योंकि उसके आगे भी कोई जगह है दुमती जो 42 किलोमीटर दूर है, बट नॉट ओपन फॉर सिविलियंस। हम नहीं जा सकते वहाँ, वहाँ जो जाएगा वो तो सिर्फ आर्मी के पर्सनल सी है, वही जाते हैं, क्योंकि उसके बाद यहाँ से चाइना स्टार्ट हो जाता है। आई थिंक दुमती लास्ट होगा। तो आप ये समझो, ये सामने पहाड़ है ना मेरे, इसके पीछे जो है ना चाइना ही है सारा। तो आईटीबीपी का चेक पोस्ट है, तो वहाँ तक एक बार चलते हैं और वहाँ देखते हैं, फिर उसके बाद वापस आएंगे या जो भी है। इन पहाड़ों की मैं कर रहा हूँ बात। तो वहाँ पे आगे आईटीबीपी का चेक पोस्ट है, वहाँ तक जाएंगे, देखेंगे और वापस आ जाएंगे। और सामने जो पहाड़ है इनके पीछे, आप ये समझ लो कि इनके पीछे चाइना ही है सारा, तिब्बत है भाई तिब्बत। क्यों बोले हम चाइना? साला चाइना ने जबरदस्ती खींच लिया तिब्बत से, तो हम तिब्बत ही बोलेंगे, क्यों बोले चाइना। अभी हमारे लोकेश भैया ने गाड़ी
बर्फ में ऐसी घुस आई और मैं डर रहा इधर बैठा। कैसा लग लोकेश भाई आपको? नहीं ये तो नॉर्मल था, कुछ ज्यादा नहीं था, मैं थोड़ा सा दिक्कत हुई हाथ में इंस्टाथ्रिस्टी होता ना बिल्कुल हैक्टिक हो जाता सारा। फिर अभी भी गाड़ी पूरी स्किड मार रही है बढ़िया वाली, क्योंकि ब्लैक आईज है नीचे अब और स्किडिंग स्किड मार रही है गाड़ी बढ़िया। दिखाता हूँ आप लोगों को, देखिए एक चीज और, सामने कैंप है आगे आर्मी का, वो हम शूट नहीं करेंगे बट आगे कैंप है जो कि लास्ट प्लेस है, उससे आगे आप नहीं जा सकते। लास्ट चेक पोस्ट, इसके आगे जाना बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। फोन रहने दे, फोन उठा, चले आगे तक घूमने हैं। चल रही है यार फैमिली साथ, भाई साहब छोटे छोटे से बच्चे हैं यार, और ये थोड़ा बड़ा हो रखा है यार, इतने सुंदर लग रहे हैं ना यार ये तो, भाई साहब पूछो मत यार, इनको देख के तो भाई मजा ही आ गया यार कसम से। टेम्परेचर हो रहा है माइनस कितना देखना पड़ेगा यार, कितना मैं बताया तो -7। भाई सीन फिर से हो गया यार खराब, सीन ये खराब हो गया कि सुबह पंचर भी चेक कराया और बंदे ने पंचर वाली काटा और न्यू पंचर नहीं है, अब पंचर है इसमें और हवा फिर से निकल गई है, तो यार रास्ता ये है भाई, हालत ऐसी हो रखी है, बर्फ पड़ी हुई है इधर उधर, यहाँ तो नहीं है पर इस साइड है और बाकी हर जगह ही है, अब दोबारा से हवा भरी जाएगी क्योंकि हवा कम हो गई है, और फिर यहाँ से जाएंगे चितकुल वापस, क्योंकि यहाँ पे लास्ट बेस कैंप था वो हमने देख लिया है और इसके आगे अलाउड नहीं है जाना। ठीक है जी,